और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी जो होगा वो फाइनल होगा। रिजल्ट क्या होगा हमें हमारा लीडर जो है वापस चाहिए बस। नारे मार मार के आपका भी गला बैठ गया मुझे लग रहा है। नारे मार के छेल खा के सब कुछ करके और अल्हम्दुलिल्लाह। मुज़ाकरात हमें नहीं करने, मुज़ाकरात आप अपने पास रखें, हमें खान चाहिए। अवाम की ताकत से, अल्लाह की मदद से खान हमारे दरमियान इंशाल्लाह मौजूद होगा। जनापुर का काफिला इस वक्त पहुंच चुका है आपके सामने। नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं ताहद निगाह, अगर मेरा कैमरा मैन यहाँ दिखाए और यहाँ दिखाए, हर तरफ नाज़रीन किराम अवाम ही अवाम यहाँ पर मौजूद है। आप सामने की तरफ दिखाते रहिएगा कि अवाम किस तरह से इस वक्त पहुंच चुकी है। और ये नाज़रीन किराम इस वक्त जो मुकाम है वो आप सामने देख सकते हैं, वो इंटरचेंज आपके सामने मौजूद है जहाँ पर 24 घंटे से ज़ायद के वक्त में उन लोगों ने काम किया और इस महाज को संभाला। और आप देख सकते हैं कि काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। बुशरा बीबी इस काफिले को लीड करती हुई नजर आ रही है और ये बात कर रही है कि तमाम चीजें इस वक्त तमाम तदबीरें हट के रह गई है आपके सामने। ये दिखाएंगे कि अवाम नाज़रीन किराम इस वक्त पहुंच चुकी है इस्लामाबाद की हदूद में और वो तमाम तकदीरें, तमाम रेड लाइन इस वक्त अवाम ने मिटा दी है। आप सामने देख सकते हैं नाज़रीन किराम इस वक्त अवाम पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया अवाम। आप सामने देख सकते हैं इस कंटेनर पे मेन कंटेनर है जहां पर बुशरा बीबी साहिबा मौजूद है और ये सामने आप देख सकते हैं ये जो मेन कंटेनर है इस वक्त हम इस पर पहुंच चुके हैं जहां पर अली बिन गंडापुर साहब मौजूद है। इस्लामाबाद में ये काफिला दाखिल हो चुका है और आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि ये काफिला जो है वो बढ़ता चले जा रहा है। उस तरफ भी दिखाइएगा सामने दिखाई दे रहा ये सारा काफिला नाज़रीन किराम इस वक्त इस्लामाबाद में एंटर हो चुका है और ये बात कह रहा है कि हम लोग इस वक्त आपके पाकिस्तान की आवाम इस वक्त नाज़रीन किराम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। पीछे बड़ा काफिला दिखाए, काफिला आप देख सकते हैं कि काफिला इस वक्त जहां तक नजर जाती है आपकी हर तरफ नाज़रीन किराम अवाम ही अवाम है। शाहिद कटक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़े जज्बाती भी हो गए थे अभी थोड़ी देर पहले आप हमने देखा कि जिस तरह से आपने फाइट बैक की है ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा, जिस तरह से लीड कर रहे थे आप, क्या महसूस हुआ? मतलब कि 1000 के काफिले को आपकी टीम और बाकी पंजाब से आई टीम ने रोक लिया था और आगे पढ़ने में दिया था, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए खान ने कहा था फाइनल कॉल है तो फाइनल में समझ से निकले और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी जो होगा वो फाइनल होगा। रिजल्ट क्या होगा हमें हमारा लीडर जो है वापस चाहिए बस। नारे मार मार के आपका भी गला बैठ गया मुझे लग रहा है। नारे मार के छेल खा के सब कुछ करके और अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 बजे के पहुंच हुए हैं। बिल्कुल 10 बजे के बिल्कुल इसका हमने बहुत ही वेट किया है तो इंशाल्लाह सीएम साहब आ रहे हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह से बात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम मैंने जैसा आपको बताया था कि सबसे अहम जंग जो होगी वो होगी 26 नंबर पर, क्योंकि संजानी टूल प्लाजा था, फिर उसके बाद हमारे पास तरनोल था, वो सब चीज़ें रुकावटें पाकिस्तान तरीके साहब ने हटा दी हैं। अब इस वक्त अगर मेरा भाई टाइम बता सकते हैं मुझे, टाइम इस वक्त क्या हो रहा है? टाइम अगर मुझे बता रहे हैं 9:11 हो रहे हैं और इस वक्त तक नाज़रीन किराम शदीद शेलिंग जा रही है 26 नंबर के ऊपर। 3 जगहों से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बिल्कुल मजम्मत का मुजाहरा किया और फिर तीनों जगहों से 30,000 का जो एक नफरी थी अकॉर्डिंग टू पंजाब पुलिस कि उनकी 30,000 की नफरी थी पाकिस्तान की आवाम ने उसको भगा दिया। अब वो सारी की सारी जो लुटपुट के आई है वो अब जनाब 26 नंबर पे आ चुकी है। जनाब जानशेर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी रेड लाइना बनाई गई है ना साढ़े वास्ते, तो ये रेड लाइनें जो बनाई गई हैं क्या हुआ इनका? आज रेड जैसे शेर अफजल मरवत कहते हैं रेड लाइन भी बढ़ गई आज इंशाल्लाह। बढ़ गई है बिल्कुल। आज इंशाल्लाह एक ही रेड लाइन है, वो अडियाला में बैठे वो खान साहब हमारी रेड लाइन है, थी, रहेगी और इंशाल्लाह आज वक्त साबित करेगा जो अवाम की ताकत से इंशाल्लाह खान साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे। कोई मुज़ाकरात हमें नहीं करने, मुज़ाकरात आप अपने पास रखें, हमें खान चाहिए। अवाम की ताकत से, अल्लाह की मदद से खान हमारे दरमियान इंशाल्लाह मौजूद होंगे। आप कब से यहाँ पर मौजूद हैं जनाब? मैं जी 22 तारीख को कराची से निकला था। आज कराची से आए आप? कराची से आया हूं। ठीक है। घूमते घुमाते मकसद सिर्फ एक है, अपने लीडर इमरान खान को रिहा करवाना। यहाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह उस वक्त तक अपने लीडर की रिहाई के लिए मौजूद हैं जब तक वो रिहा नहीं हो जाते। मेरे लीडर ने बोला था मेरे नौजवानों तुम आओगे, साइकिल मिली साइकिल, बाइक मिली बाइक, पैदल आना हुआ तो पैदल,
तो खान साहब आपके ये नौजवान आ चुके हैं और इंशाल्लाह हम अपने लीडर इमरान खान को रिहा करवाएंगे। इमरान खान जिंदाबाद। मेरे भाई जरा थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको दिखाऊं, भाई ने वेस्ट पहनी हुई है, पुलिस की साथ हेलमेट पहना है। ये कहां से मिला भाई आपको ये? अच्छा, ये एक और चीज रहेगी, ये डंडा भी पकड़ा है पुलिस वालों का। ये जी, ये बुरान इंटरचेंज से मिला। बुरान इंटरचेंज से मिला? क्या थी पुलिस, वो तो कह रही थी हम आपको अटक पार नहीं करने देंगे, आपने क्या किया फिर? तो ये कैसे पार किया, हम इस्लामाबाद पहुंचे। अटक तो भाई पंजाब पुलिस की रेड लाइन थी, वो वैसे ही थी, वो सिर्फ बोलने आए थे बस। आपने कैसे पार कर लिया अटक? अटक तो भाई डीपीओ साहब की रेड लाइन थी, आप पार ही नहीं कर सकते। डीपीओ तो भाग गया था। अच्छा, हाँ उसने आवाम देखा है तो खुद ही भाग गया। भाई डीपीओ साहब बहादुर है हमारे। डीपीओ साहब बढ़ गया, ये आवाम का मुकाबला नहीं करे। मैं इस वक्त संजानी इंटरचेंज पे मौजूद हूँ और आपके सामने आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पे खाली करवा लिया है, मतलब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। आप देख ले तमाम ये इंटरचेंज वो खाली हो चुका है और एक वो कुर्सियां छोड़ के भाग गए और ये लोग बैठे हुए साथ ही। इधर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखें, ये टूल प्लाजा में हमारे भाई बैठे हुए हैं पीटीआई के। भाई जान अस्सलाम वालेकुम। ये इमरान खान के टैगर भाई। इधर आप हटे, आप हटे भाई जान, टिकट देंगे आप। आपने संजानी है, उन्हें खाली करवा लिया। हाजी भाई जान, कितनी आवाम थी, कितनी पुलिस थी यहाँ पर? भाग गई है। और संजानी के बाद जो मैं आपको बता रहा था, तीन हदफ है। संजानी के बाद अब रह जाता है तरनोल, तरनोल के बाद रह जाएगा 26 नंबर और फिर टी चौक का रास्ता मुकम्मल तौर पर इनके लिए खुल गया है। और अब हमें इत्तला मिल रही है काफले पहुंच चुके हैं, 26 नंबर इंशाल्लाह क्लियर है। हम जो है पीछे हटने वाले नहीं है, हमने हर हदफ को पार करना है, जो भी होगा। हमने कफन बांध के आए हैं, हमने अपने साथ घरों से कफन भी साथ लेके आए हैं और घरों में भी बता के आए हैं। मतलब जो रेड लाइन थी उसका क्या हुआ? रेड लाइन जो है वो खत्म हो गया है, ये आखिरी काल है। हमने घरों में भी बताया है कि अगर हम वापस नहीं आए तो सिर्फ हमारे पीछे दुआएं करना, इमरान खान को यहाँ लेके रहेंगे या हमारी शहादत इधर कबूल करे। ठीक हो गया जनाब, ये आवाम के जज्बात है, आप देख सकते हैं कि वो ये बात करें संजानी तक, मतलब कि 26 नंबर तक रास्ता क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी हम जब जाएंगे आपको विजुअल्स भी दिखा देंगे, मगर जो मेरी बात है, अगर 26 नंबर क्लियर हो चुका है तो फिर सिर्फ आपकी बात अगर माने तो सिर्फ 14 किलोमीटर रह जाता है डीचो, मतलब डीचो का दूर नहीं है। कह रहे थे कि ये अटक के अलिफ तक नहीं पहुंच सकते, हम अटक पार करके आए हैं, क्वेटा से आए हैं, सालार का करके जुलूस में वो लोग आगे गए हैं और अभी अली अमीन गंडापुर का जुलूस आ रहा है। 26 नंबर पहुंचेगा, कुछ नहीं होगा, कंटेनर रखते हैं, 10 रखते हैं, 1000 रखते हैं, किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, हमने कफन बांध लिए, किसी किस्म का कोई डर कोई खौफ नहीं है। मैं जब आपको बोलता हूं कि आपका खौफ बढ़ गया।